की महान किताब में सबका स्वागत है। ये किताब सारे जानवरों के बारे में है और हर पाठ में भालू साहब आपको हम में से एक जानवर की कहानी सुनाएंगे। चलो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे आज बहुत काम है, चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो चलो चलो। क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। भालू साहब की कहानी सुननी है, चलो मुझे भी जाना है, चलो। शायद आज हमारी कहानी सुनाए। भालू साहब की कहानियाँ बहुत ही मजेदार होती हैं। बिल्कुल हमारी तरह। कहाँ है वो? वही होगा अपने शहद और मधुमक्खी वाले पार्ट में। जानते हो ना कितना खाता है? कितनी देर हो गई, कहाँ है वो? ए वो आ गया है। कूदना बंद करो। अरे वाह, सब आ गए। आज हम प्रकृति की महान किताब का एक और पाठ खोलेंगे। आज की कहानी है कुछ खरगोशों की। कई साल पहले नदी के किनारे दो उपजाऊ पहाड़ी पर कुछ खरगोश और भालू रहते थे। खरगोश हरे भरे पौधे लगाने आ रहे हैं। आज हमारी छुट्टी है, चारों तरफ पौधे लगाएंगे और नदी को बचाएंगे। आज हमारी छुट्टी है, चारों तरफ पौधे लगाएंगे और नदी को बचाएंगे। मुझे ठंड लग रही है। ये कंबल मुझे वापस दे दो। तुम तो खिड़की लगाने वाले थे ना, तुम खुद लगा लो। कैसा शोर है ये? पता नहीं ये शोर अब कब बंद होगा। मैं तंग आ गया हूँ, कब मिलेगी हमें शांति? देखता हूँ मुझे फिर से नींद आती है या नहीं। कितना शानदार है ना। इससे तो सब हम ऐसे यहाँ पर सब कुछ बदल देंगे। अरे वाह, अरे वो देखो छोटू किसके साथ बैठा है नाव में। अरे वाह, मैं छोटे भालू के साथ बात करती हूँ। तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ कहना। धीरे बात करो। ठीक है। पता है पहाड़ मेरे बड़े भैया को मत उठाना। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो देखो। अरे वाह, कैसा लगा? कैसे हो छोटू? क्या हम ऐसा हमारी पहाड़ी पर कर सकते हैं? जरूर, तुम्हें सिर्फ थोड़े पेड़ लगाने होंगे। हमारे पास कुछ पौधे हैं जिससे तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ वाह, अगर मेहनत से काम करो तो ऐसा जरूर हो सकता है। मुझे नहीं लगता भालू पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि वो काम चोर होते हैं, उन्हें सिर्फ सोना पसंद है। कोई बात नहीं, चलो कुछ पौधे दे आए भालुओं को। चलो चले चलो चलो।
चलो जल्दी सामान रखो, जल्दी करो, जल्दी करो। हम भालू के पास जाएंगे, उन्हें पौधा लगाना सिखाएंगे। हम भालू के पास जाएंगे, उन्हें पौधा लगाना सिखाएंगे। हम भालू के पास जाएंगे, उन्हें पौधा लगाना सिखाएंगे। ये क्या चल रहा है, ये कैसी आवाज है? हम भालू के पास जाएंगे, उन्हें पौधा। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? बंद करो इस आवाज को। और ये सब क्या है? हाँ, तुम्हारी पहाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ पौधे लाए हैं हम। क्या बकवास कर रहे हो, हमें कोई पेड़ नहीं लगाने हैं, वो तो सिर्फ छोटे पौधे हैं। हमारे पास जो पेड़ है वो बहुत ही सुंदर है। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं तुम्हें एक देने वाला हूँ। अरे क्या कर रहे हो, इसे जा से मत उखाड़ो। तुम क्या कर रहे हो? ये लो बड़े पेड़। अरे इसने हमारी दीवार तोड़ दी, क्या हो गया है तुम्हें? ये पत्थर काफी छोटे हैं। ये लो पकड़ो इसे। जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम पेड़ों को नष्ट कर रहे हो, इससे उन्हें तकलीफ होगी। पत्थर छोड़ो, तुम अपने आप को घायल कर सकते हो। बड़े भैया ऐसा मत कीजिए। ओ नहीं, चिड़िया के अंडे गिर रहे हैं। अरे नहीं, देखो तुमने क्या किया। तुम्हारा कसूर है, लाओ उसे। पौधे देना चाहते थे। हमारा कसूर? हाँ, हमें पौधों की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें फल कहाँ से मिलेंगे? देखो तुमने कैसे सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया है। वो हमारी परेशानी है। अब जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं। वो मूर्ख भालू, उन्होंने हमारी रहने की जगह बर्बाद कर दी। चलो यहाँ से निकलते हैं। क्यों हम खरगोश की पहाड़ी पर चले? अब यहाँ रहने में कोई मजा नहीं। जल्दी चलो, चलो सारी चिड़िया घर छोड़कर जा रही हैं यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी उनके आसपास होते हुए हमें शांति कभी नहीं मिल सकेगी। हो गया, वो देखो आ गई। देखो हमने ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये कितने अच्छे हैं। अरे वाह, ये देखो शुक्रिया। चलो थोड़े और पौधे लगाएं, जिससे ये जगह और भी सुंदर बन जाए, ठीक है? हम पौधों को पानी डालेंगे, उन्हें जल्दी जल्दी उगाएंगे। हम पौधों को पानी डालेंगे। हो गया। भगाओ कैसे? हाँ, ये अच्छी जगह है। जी भर के खाना खाओ, यह हम सबके लिए बहुत है। मुझे भूख लगी है। ओ, क्या फल अब तक नहीं पके? पक गए।
पर कीड़े उन्हें खा रहे हैं। अरे ये रोना धोना बंद करो, हो सकता है कि कीड़े कच्चे फल खा रहे हो, जब वो पकेंगे तब तुम खा लेना, समझे? नहीं, पर मुझे अभी भूख लगी है। अब सो जाओ, बाद में देखेंगे क्या होता है। कितने सुंदर पेड़ है ना, बहुत भूख लगी है। पिंकी, तुम यहाँ कैसे हो? तुम तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ लाई हूँ, हमारे अपने पेड़ के फलों से बनाया है। शुक्रिया, चलो अंदर आओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, हम फसल की कटाई का जश्न मना रहे हैं। तुम चाहो तो आ जाना, मैं चलती हूँ। अलविदा। देखो मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, हम सब मिलके तीन तीन खाएंगे। अरे वाह, चलो खाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, कितना मीठा और स्वादिष्ट है। ए, इसे पहले कभी नहीं खाया? हाँ, क्या? मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। लाओ और अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चांद ऐसा गोल होता है इस तरह, लेकिन दिन ब दिन वो छोटा होता जाता है। और देखते ही देखते इससे पहले हमें पता चले, चांद इस तरह से आधा बन जाता है। देखा? हाँ, ये तो बिल्कुल नए चांद की तरह हो गया है। सच? तुम्हें पता है, कुछ दिनों बाद चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता इसके तरह। मुझे वो दो। मजा आ गया, कहाँ से लाया तुमने? मुझे पिंकी ने दिए। क्या? उस खरगोश ने? तभी कहो मेरे पेट में जलन क्यों हो रही है। उसने थोड़ी चेरी भी दी है। क्या ये चेरी पके हुए हैं? खरगोशों का जश्न चल रहा है और उन्होंने मुझे भी बुलाया है। सारे खरगोश मौज कर रहे हैं और हमारे लिए इतना सा भेजा, बस हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, हमारे पास भी फल है, चलो बच्चों फल जमा करते हैं। चलो, हर साल हमें इतने कम फल क्यों मिलते हैं? वो देखो वहाँ। अरे वाह, इतने सारे फल। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? नीचे आओ, मैं बताता हूँ इसे कैसे निकाले। देखो, थोड़ा और जोर लगाइए। हाँ, थोड़ा और। हाँ, खींचिए। ए, ऐसा मत करो, तुम पेड़ का सत्यानाश कर रहे हो, इसी वक्त रुक जाओ वरना तुम्हें और फल नहीं मिलेंगे। तुम अपना काम करो, हमारी पहाड़ी पर हम जो चाहे करेंगे। समझ गए? नहीं, सब पेड़ों को इस तरह बर्बाद मत करो। जल्दी बच्चों, जल्दी। तुम इन टोकरियों को कहाँ ले जा रहे हो? जाओ यहाँ से। देखा, खाना जमा करना कितना आसान काम है, वो भी बगैर मेहनत किए। तुम जानते नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है, प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ओह, तुम जल रहे हो। चलो दोस्तों, चल के खाते हैं। चलो बच्चों, अब खा लेते हैं।
इससे अच्छा खाना हमें और कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा मजा आया आज, ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया। अब जरा सोने का मन हो रहा है। हे ये लो। इसमें तो कीड़ा है। हाँ सब में कीड़े हैं, अब क्या करें? लगता है तूफान आने वाला है। अच्छी बात है, पेड़ों को तो यही चाहिए। चलो, लगता है बारिश कोई मुसीबत लाने वाली है। चलो बच्चों जल्दी। शुक्र है तुम सब ठीक हो। हाँ छोटा भालू का हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, अगर वो नहीं मिला तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। छोटू का हो तुम? वो रहा वो। बचाओ बने भैया, मेरी मदद करो, बचाओ। ओह नहीं, रस्सी फेंको। तुम ठीक हो ना? खरगोशों के लगाए हुए पेड़ों की वजह से मैं बच गया बड़े भैया। ये क्या, नदी के उस तरफ तो सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी तरफ का सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा घर कहाँ था कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें हैरानी हो रही है? अगर तुम पेड़ों को नष्ट नहीं करते तो ये सब नहीं होता, पता है? तुमने सब कुछ खो दिया तुम्हारे बुरे बर्ताव की वजह से, क्योंकि तुम स्वार्थी और लापरवाह थे। पेड़ों को नष्ट करने के सिवा तुम्हें उनसे प्यार करना सीखना चाहिए, उसी तरह जिस तरह तुम अपने छोटे भाई को करते हो। ठीक कहा तुमने, अगर मैंने नए पौधे लगाए होते और पुराने पेड़ों का ख्याल रखा होता तो ये नहीं होता। अब हम भी अपनी पहाड़ी को आपके जैसे सुंदर और सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद भालू ने लगन से काम जारी रखा। कुछ हफ्तों बाद उन्हें मेहनत का फल मिला।
आखिर भालुओं की पहाड़ी खरगोश की पहाड़ी जैसी सुंदर बनी और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रैबिट यानी खरगोश। जानवरों के राज्य में खरगोश की गिनती किस वर्ग में होती है? खरगोश लेगमॉर्फा जाति के हैं और लेपॉर्डे परिवार के। इनका शरीर बहुत ही नर्म होता है। इनके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और साथ ही उनकी नजर भी। इनकी कितनी जातियां हैं और वो कहां रहते हैं? लेपॉर्डे परिवार में कई जातियां होती है, जंगली खरगोश और पालतू खरगोश। ये ज्यादातर मध्य और दक्षिण यूरोप में पाए जाते हैं, पर ये पूरी दुनिया में पाए नहीं जाते। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये रहते कैसे हैं? ये रेत और लकड़ी वाले इलाकों में रहते हैं। बड़े समूह में रहना इन्हें पसंद है और ऐसे बिल खोदते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। ये चलते कैसे हैं? ये उछल उछल कर चलते हैं और पीछा करने पर टेढ़े मेढ़े भागते हैं। ये खाते क्या हैं? वैसे तो ये ज्यादातर घास खाते हैं, पर उन्हें पेड़ की छाल और फल भी पसंद है। वो अपनी रक्षा कैसे करते हैं? उन्हें पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उनका शरीर गुथा हुआ होता है, जिस वजह से वो कहीं भी घुस जाते हैं जहां दूसरे जानवर नहीं जा पाते। उन्हें खुले मैदान में पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो ज्यादातर बिलों में रहते हैं। इंसानों के साथ इनका रिश्ता कैसा है? इनके स्वादिष्ट गोश्त और फर की वजह से ये हमेशा से इंसानों के प्रिय रहे हैं। किसान ज्यादातर सफेद खरगोश पालते हैं क्योंकि वो फसलों पे लगे कीड़ों को खा जाते हैं। क्या ये शहरों में रह सकते हैं? छोटे सफेद खरगोशों को शहर में लोग अक्सर पालते हैं, जबकि जंगली खरगोश खुले मैदानों में ही रहना पसंद करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? कहानी का मतलब है, अगर आप प्रकृति की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। I'm gonna make you mine.